Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. आज हम बात करने वाले एक हॉलीवुड हॉरर फिल्म के बारे में जो 2009 में रिलीज हुई थी. ये फिल्म एक ट्रू स्टोरी बेस्ड फिल्म है. नाम है द हंटिंग इन कनेक्टिकट. दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय पीटर कॉर्नवेल. IMDb पर इस फिल्म को रेटिंग मिली है 5.9 आउट ऑफ 10 और 86% गूगल यूजर ने इसे लाइक भी किया है. दोस्तों, पहले हम इस कहानी के स्टोरी लाइन को जान लेंगे और उसके बाद बात करेंगे इस फिल्म के पीछे छुपे असली कहानी के बारे में. So, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. साल है 1987. हम मिलते हैं सैरा कैंपबेल से जो अपने बेटे मैट को लेकर काफी परेशान है. असल में मैट एक कैंसर पेशेंट है. कनेक्टिकट के एक हॉस्पिटल में ही उसका इलाज चल रहा है और अभी वो लोग वहां से ही लौट रहे हैं. रास्ता तो है सिर्फ 2 घंटे का, मगर ट्रीटमेंट के बाद मैट की हालत काफी नाजुक हो जाती है. उसे बार बार वॉमिट करना पड़ता है और इसीलिए उन्हें समय भी ज्यादा लगता है. सैरा से अपने बेटे की ये हालत और सहन नहीं हो रही थी. ऐसे तो मैट और बीमार पड़ जाएगा. वो अपने हस्बैंड पीटर से इस बारे में बात करती है कि शायद उन्हें यहाँ पर ही हॉस्पिटल के आसपास कोई घर देखना चाहिए. ये बात सच है कि वो लोग पिछले कुछ दिनों से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं. उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है कि वो कुछ एक्स्ट्रा अफोर्ड कर पाए. ऊपर से पीटर का सारा कारोबार यहाँ पर ही है. वो कनेक्टिकट में जाके उनके साथ रह नहीं पाएगा. मतलब सारी जिम्मेदारी सैरा को ही लेनी पड़ेगी. उसे सिंगल हैंडेडली सब कुछ संभालना पड़ेगा. ये डिसीजन लेना उनके लिए बहुत टफ था, मगर अपने बेटे के भलाई के लिए वो लोग रिस्क लेने का डिसाइड करते हैं. नेक्स्ट वीक से मैट की रेडिएशन थेरेपी स्टार्ट होने वाली है. तब तो साइड इफेक्ट्स और बढ़ जाएगा. तो पीटर जल्दी से और एक लोन ले लेता है और सैरा नेक्स्ट डे से ही घर देखना स्टार्ट कर देती है. वो कई सारे घर देखती है. किसी का प्राइस बहुत हाई है, किसी में स्पेस कम है, किसी का डिस्टेंस हॉस्पिटल से काफी ज्यादा है. सैरा ऑलमोस्ट हार मान चुकी थी, लेकिन ठीक तभी फॉर्चुनेटली उसे एक घर मिल जाता है जो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट था. हॉस्पिटल के पास, काफी स्पेशियस और अफोर्डेबल भी. सैरा को तो ये घर बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है, मगर तभी उसे पता चलता है कि इस घर का एक इतिहास है, इसीलिए तो इसका प्राइस इतना कम है. सब कुछ जानकर सैरा उस घर को रिजेक्ट कर देती है और ट्रीटमेंट खत्म करके अपने बेटे को लेकर लौटने लगती है. लेकिन शायद उनके नसीब में वो घर ही था. बीच रास्ते पर मैट की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि उसे दोहरे पड़ने लग जाते हैं. उसे इमीडिएट रेस्ट की जरूरत थी और कोई ऑप्शन ना पाकर सैरा उसी वक्त एक डिसीजन ले लेती है और मैट को लेकर सीधे उस घर में जा पहुंचती है. उस घर का ओनर उनके लिए कुछ मैट्रेस का इंतजाम कर देते हैं जिससे मैट सो पाए. सैरा कॉल करती है पीटर को और इस घर को खरीदने का डिसीजन बयां करती है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर मैट को और दर्द नहीं दे सकती. लेकिन वो इस घर के हिस्ट्री के बारे में पीटर से कुछ नहीं बताती. दूसरी तरफ हम मैट को देखते हैं लिविंग रूम में टीवी देखते हुए. कुछ देर बाद वो टीवी ऑफ करके सो जाता है और हमें टीवी के ब्लैक स्क्रीन पर एक काला साया नजर आता है. देर रात अजीब सा आवाज से मैट की नींद टूट जाती है. ये आवाज नीचे बेसमेंट से आ रही थी. वो भी उन आवाज को फॉलो करते हुए नीचे जा पहुंचता है, लाइट्स ऑन करने की कोशिश करता है और उसे अपने बिल्कुल सामने एक कांच का दीवार नजर आता है जिस पर वो अपना रिफ्लेक्शन देख पा रहा था. लेकिन जैसे ही वो पास जाता है, उसका रिफ्लेक्शन एक डिस्टॉर्टेड बर्न्ड फिगर में बदल जाता है और उसकी नींद टूट जाती है. हाँ, ये शायद उसका एक सपना ही था, एक बहुत ही बुरा सपना. वो खुद को यही समझाता है और इस नए घर को एक्सप्लोर करने लग जाता है. दूसरी तरफ सैरा को क्लीनिंग करते वक्त इस घर के कैबिनेट से कुछ पुरानी फोटोज मिलती है जो मरे हुए लोगों के थे. उसे इतना डिस्गस्टिंग फील होता है कि वो उसी वक्त उन फोटोज को ले जाकर डस्टबिन में फेंक देती है. तब तक मैट को अपना कमरा मिल चुका था. अभी से वो इसी बेसमेंट में रहने वाला है, ये वो डिसाइड कर चुका था, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट बाथरूम जो है तो उसके उल्टे की आवाज से और किसी को डिस्टरबेंस फील नहीं होगा और उसे ऑकवर्ड भी नहीं लगेगा. माँ बेटे दोनों मिलकर उस ग्लास डोर को ओपन करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन खोल नहीं पाते. इसी बीच फैमिली के बाकी मेंबर्स भी पीटर के साथ घर आ चुके थे. मैट का छोटा भाई बिली और उसकी कजिन सिस्टर्स वेंडी और मेरी, जो फिलहाल उनके साथ ही रह रहे हैं. सभी को ये घर काफी पसंद आ गया था. बिली, मेरी को अपना कमरा मिल चुका था. लेकिन जब सैरा वेंडी को उसका कमरा दिखाने ले जाती है तो हमें क्लोजेट मिरर पर वही साया नजर आता है जो उनके बिल्कुल पीछे ही खड़ा था. उधर मैट के साथ अजीब से हादसे होने लगे थे. उसे जमीन पर पानी की जगह खून दिखने लगा था. बाद में जब वो किचन में अपने माँ की मदद करने जाता है, वहां भी पता नहीं कैसे प्लेट्स अपने आप गिर कर टूट जाते हैं. वो इसे अपनी गलती मान लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे फील हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है.
लेकिन मैट किसी से कुछ कहता नहीं क्योंकि उसके डॉक्टर ने कहा था अगर उसे हेलुसिनेशंस आने लगे तो उसका ट्रीटमेंट बंद करना होगा, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। उस रात उसे फिर से डरावने सपने आने लगते हैं, जो उसे उस ग्लास डोर के उस पार ले जाता है। वो एक आदमी को देखता है जो लाशों के ऊपर कुछ खुदाई कर रहा था, उनके पूरे शरीर पे उनका आईलिड्स काट कर कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रहा था, और मैट ये सब कुछ किसी और के आंखों से देख रहा था, एक यंग लड़के के। नेक्स्ट डे सुबह भी उसका हेलुसिनेशंस कंटिन्यू होता है। उसे इस घर के पिलर्स में से रॉटन फ्लेश निकलता हुआ दिखता है, और उसके अगले ही दिन उसे वो ग्लास डोर्स खुला हुआ मिलता है, जिसके नॉब को छूने से ही कल रात उसका हाथ जल गया था, आज वो दरवाजा अपने आप ही कैसे खुल गया। दरवाजे के उस पार मोर्चुअरी जैसा माहौल बना हुआ था, ऑपरेशन टेबल, टूल्स, फर्नेस, जिसे देखते ही पीटर समझ जाता है कि इस घर का राज क्या है। वो सारा को कन्फ्रंट करता है, जो एडमिट कर लेती है कि ये घर असल में सालों पहले एक फ्यूनरल होम हुआ करता था, जहां डेड बॉडीज को स्टोर किया जाता था। इसीलिए ही तो उन मरे हुए लोगों की तस्वीर इस घर में मौजूद थे, जिसे सारा ने फेंक दिया। मगर ये सब बहुत पहले की बात है, अभी डरने लायक कुछ भी नहीं है। उनके इस न्यू स्टार्टिंग के लिए पीटर सबके साथ मिलकर प्रेयर करने लगता है, और ठीक तभी मैट को फिर से विजन्स आते हैं एक सियांस का। गाइस, सियांस एक तरह की प्लानचेट ही होती है, सिर्फ इसमें किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है आत्मा को बुलाने के लिए। मैट के विजन में आए मीडियम बना था वही लड़का, जिसके आंखों से मैट देख रहा था। सियांस के चलते वो लड़का तड़पने लगता है, जिसका असर मैट पर भी पड़ता है। उसे रियलिटी में भी दोहरे पड़ने लगे थे, उसके कंडीशन से सभी डर जाता है। अभी तो उसे खुले आंखों से भी वो साया नजर आने लगा था। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल जाता है, वहां पर भी उसे अजीब तरह के डिल्यूशंस होने लगते हैं। उसके बिल्कुल पास ही बैठा था एक निकोलस नाम का आदमी, जो भी उसी के तरह कैंसर पेशेंट है, और वो बहुत अच्छी तरीके से समझता है कि इन दिनों जब मौत बहुत करीब आ जाती है तो इंसानों के लिए दूसरी दुनिया पास आने लगती है। उसे भी ऐसे बहुत कुछ नजर आते हैं जो एक स्ट्रॉन्ग हेल्थी पर्सन कभी देख नहीं पाएगा। मैट को उनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, और वो उनका कार्ड भी अपने पास रख लेता है। कुछ दिन बाद जब मैट अपने घर में अपने भाई बहन के साथ खेल रहा था, तब उसे वही यंग लड़का फिर से दिखता है, जिसे कोई जुहान नाम से पुकार रहा था। जुहान भागने की कोशिश कर रहा था, मगर कोई उसे खींच कर बेसमेंट में ले जाता है। मैट भी उसके पीछे पीछे बेसमेंट में जा पहुंचता है, और कोई उसके पीछे का दरवाजा वही ग्लास डोर बंद कर देता है। मैट को वहां पर टेबल पर बहुत सारे लाश दिखती है, जिनके शरीर पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। धीरे धीरे वो लाश मैट को घेर लेते हैं, और मैट डर से जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। वेंडी आकर उसे बचा लेती है, मगर वो उसकी हालत समझ नहीं पा रही थी। मैट निकोलस को कॉल करता है और मिलने जाता है उससे। निकोलस उससे कहता है कि ऐसे स्पिरिट्स हमारे बीच हमेशा भटकती रहती हैं, मगर सभी उसे देख नहीं पाते। मैट उन्हें देख पा रहा है क्योंकि वो काफी समय से जीवन और मृत्यु के बीच बॉर्डरलाइन पर जूझ रहा है। इस वक्त उसे सिर्फ एक ही काम करना है, अगली बार उस काले साय के मिलने पर उससे पूछना है वो क्या चाहता है। मैट वही करता है, लेकिन नतीजा भयानक निकलता है। उस वक्त सारा अपने बच्चों को लेकर बाहर गई थी। जब वो लौटती है, उन्हें मैट मिलता है घायल हालत में। उसने लिविंग रूम के सारे फर्नीचर्स एक जगह इकट्ठा कर चुका था, और दीवार को ऐसे स्क्रैच किया था कि उसके उंगलियों से ही खून निकलने लगा था। डॉक्टर्स को लग रहा था कि शायद उसके ब्रेन में किसी तरह के ट्यूमर्स स्प्रेड हो रहा है, इसीलिए वो हेलुसिनेट कर रहा है, मगर रियलिटी तो कुछ और ही था। वो काला साया उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। रेडिएशन के वजह से मैट काफी वीक पड़ चुका था, वो पूरा दिन बिस्तर पे ही बिताने लगा था। डॉक्टर्स तो पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी सब कुछ भगवान के हाथ में है। लेकिन जो सबसे ज्यादा विजिबल था, वो है उसके पर्सनालिटी में चेंज होना। वो पहले से काफी ज्यादा बदल चुका था, काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुका था। इवन अपने भाई बहन के प्रति भी उसका बर्ताव काफी अजीब हो चुका था, वो उन्हें मारने तक जाता है कई बार। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब फिर से घर में सभी लुका छुपी खेल रहे थे, तो हमें बच्चों के आसपास वही लाशें नजर आते हैं, जो बच्चे देख नहीं पाते ऑब्वियसली। बिल्ली जाकर छुपता है एक बक्से के अंदर, और मेरी जब पहुंचती है एटिक में, उसे एक कोने से कुछ आवाज आती है। उसी तरफ जाने के चक्कर में उसका पैर फ्लोर में घुस जाता है। उधर बिल्ली को अपने पीछे वही काला साया नजर आता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा जैम हो चुका था। ऐसे सिचुएशन में बिल्ली और मेरी दोनों ही एक साथ चिल्लाने लग जाते हैं। वेंडी पहले बिल्ली को बाहर निकालती है, बाद में जाती है मेरी के पास। तब तक मैट भी वहां पहुंच चुका था। दोनों मिलकर मेरी को निकालते हैं, और उसी गड्ढे से उनको एक पुराना बॉक्स और कुछ पुराने फोटोज मिलते हैं।
ये मरे हुए लोगों के फोटोज थे, जिनमें से एक था उसी सियांस का, जिसका विजन मैड बार बार देखता है। वो जोहान को भी पहचान पाता है। इस बार में वो वेंडी से कहता भी है, मगर वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये फाइल्स यहाँ पर क्यों है। तो वेंडी नेक्स्ट डे जाती है लाइब्रेरी में इस घर के हिस्ट्री के बारे में जानने। उसे पता चलता है इस फ्यूनरल होम का मालिक था रैम से एकमैन नाम का एक बंदा, जिसे मैट ने अपने सपने में लाश पर मार्किंग्स बनाते हुए देखा था। वो सियांसेस परफॉर्म करता था और उसका फेवरेट हॉबी थी साइकिकल रिसर्च। जोहान उसका ही सेक्रेटरी था और मीडियम भी। उसका सियांसेस काफी फेमस हुआ करता था क्योंकि वो दावा करता था कि वो सिर्फ मरे हुए लोगों को कांटेक्ट ही नहीं कर सकता, बल्कि उनके सामने चीजों को अपीयर भी कर सकता है। उसके सियांसेस के चलते मीडियम के शरीर से अजीब तरह के सब्सटेंस निकलते थे, जिसे एक्टोप्लाज्म कहा जाता था। इसी घर में रैम से वो सियांसेस अरेंज करता था और ऐसे ही एक सियांस के चलते जलकर अपने बाकी गेस्ट्स के साथ रैमसे की मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद जोहान कहीं गायब हो गया, कभी नहीं दिखा, और उसके साथ साथ इस फ्यूनरल होम का चैप्टर भी खत्म हो गया। लेकिन उसके 30 साल बाद जब इस घर के पास वाले ग्रेवयार्ड को रिलोकेट करने की बारी आई, तो एक शॉकिंग बात पता चली। उस ग्रेवयार्ड में मैक्सिमम कॉफिन से खाली है, सैंड बैग्स भरे हुए हैं और लाशें गायब है। ये विजन भी मैट को दिखा था, तो वो श्योर है कि ये रैमसे का ही काम है, मगर वो ये सब क्यों करेगा? इसका जवाब तो मैट के पास नहीं था, मगर उसे पता है कहां से मिल सकता है। वो निकोलस को बुलाता है क्योंकि वो एक प्रिस्ट है। निकोलस उन फोटोज को देखकर ही समझ जाता है कि ये रैम से एक मैन नेक्रोमैंसी परफॉर्म करता था, जिसमें डेड बॉडीज की जरूरत पड़ती थी। इससे ही वो अपने सियांस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाता था और जोहान के शरीर से एक्टोप्लाज्म निकाल पाता था। लाशों के शरीर में कर्विंग्स, आईलिड्स हटाना, ये सब इसी नेक्रोमैंसी का ही हिस्सा था। वो मौत के बाद भी उन लाशों के आत्माओं को उनके शरीर के साथ बांधकर इसी घर में रख दिया, और बाद में शायद वो लाशों को भी इसी घर के बाहर कहीं दफना दिया, इसीलिए उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिली। रैमसे के मौत के बाद ये घर भी पोजेस्ड हो गया। निकोलस उन आत्माओं को शांत करने के लिए प्रेयर करता है। ठीक तभी मैट को उस लास्ट सियांस का विजन आता है। वो जोहान के उस दर्द को फील कर पा रहा था, बिल्कुल जोहान की ही तरह वो भी चोक करने लग जाता है। इसी बीच सैरा घर वापस आ जाती है और अपने बेटे को संभाल लेती है और साथ में निकोलस को घर से निकाल देती है। जाने से पहले निकोलस सैरा को अपना कार्ड देकर जाता है क्योंकि उसे पता था बहुत जल्द उसे उनकी जरूरत पड़ेगी। ऐसा होता भी है। कुछ ही दिन के अंदर उनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो जाती है। वेंडी और सैरा को अपने अपने कमरे में वो लाशें दिखती है और घर के अंदर जैसे तूफान शुरू हो चुका था। सैरा उसी वक्त निकोलस को बुलाती है। इससे पहले मैट ने उनसे जोहान के बारे में कहा था, तो निकोलस उसे ढूंढने लग जाता है। शायद उसकी मौत भी इसी घर में हुई थी, इसीलिए उसकी आत्मा भी यहीं पर फंसी हुई है। अपने सिक्स सेंस के मदद से वो उस जगह को ढूंढ भी निकालता है। ये सब करते करते वो खुद भी काफी वीक पड़ चुका था, मगर वो किसी तरह से जोहान के स्केलेटन को फर्नेस से निकाल कर बाहर ले जा पहुंचता है। उसे लगा इसे बॉरियल देने से ही ये घर फ्री हो जाएगा, मगर ऐसा होता नहीं। उसके निकलने के साथ साथ मैट के पूरे शरीर पर वही सारे मार्किंग्स आ जाते हैं जो उन लाशों पर मैट ने देखा था। उसे फिर से हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। इस बार उसकी कंडीशन काफी सीरियस हो चुकी थी, डॉक्टर्स हार मान चुके थे, मगर हॉस्पिटल में भी उसे जोहान के आत्मा से मुक्ति नहीं मिलती। उधर निकोलस को अपने गाड़ी के बैक सीट पर जोहान का जला हुआ शरीर दिखता है, जो उसे कुछ विजन्स दिखाता है। ये सेम विजन्स उधर हॉस्पिटल में मैट को भी दिख रहा था। उन्हें पता चलता है रैमसे के लास्ट सियांस में एक्टोप्लाज्म का मात्रा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि एक भयानक ब्लास्ट होता है, जिस आग में जलकर जोहान को छोड़कर बाकी सबकी मौत हो जाती है। अकेले जोहान भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये पोजेस्ड घर उसे अपने अंदर खींच कर रखता है, बाहर जाने का मौका तक नहीं देता। जोहान ग्रेजुअली नीचे बेसमेंट में जा पहुंचता है एक ट्रेलर से, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह रास्ता डायरेक्टली फर्नेस तक जाता है। बेचारा जोहान उस फर्नेस से और निकल नहीं पाया। इस घर में कैद आत्माएं उसे उसी फर्नेस में जला कर मार डाला। वो पिछले कई दिनों से मैट को ये दिखाना चाहता था, उसे बाकी आत्माओं से बचाना चाहता था, मगर निकोलस को समझने में देर हो गई। वो जोहान को ही घर से निकाल दिया। अभी तो उस घर में सिर्फ उन कैद आत्माओं की नफरत ही बची है जिन्होंने मैट की ऐसी हालत कर दी। निकोलस उसी वक्त जोहान को आजाद कर देता है और फोन करता है कैंपबेल हाउस में।
तब तक पूरा घर उन आत्माओं के कब्जे में आ चुका था। घर में रखे सारे खाना फ्रूट्स खराब हो चुके थे। घर में सिर्फ वेंडी थी बच्चों के साथ, सैरा तो हॉस्पिटल में थी। वेंडी फोन रिसीव नहीं कर पाती, उससे पहले ही आत्माएं उस पर हमला कर देती हैं, उसे मारने की कोशिश करती हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मैट को समझ आ चुका था कि उसे क्या करना होगा। वो उसी वक्त हॉस्पिटल से भागकर घर जा पहुंचता है एक कुल्हारी के साथ। वेंडी उसे देखकर डर जाती है, मगर मैट उन्हें मारने नहीं आया था। वो लिविंग रूम के दीवारों को तोड़ने लग जाता है और अंदर से लाशें निकलने लगती है। वो वेंडी, मेरी और बिल को घर से बाहर करके घर को अंदर से लॉक कर देता है, सारे खिड़की दरवाजे के सामने ब्लॉक कर देता है जिससे और कोई अंदर नहीं आ पाए। इसके बाद वो एक एक करके सारे दीवार को तोड़ डालता है। उसके सामने लाशों का ढेर बन चुका था जिसपे वो आग लगा देता है। यही शायद जुआन चाहता था उससे करवाना। सिर्फ उसे ही पता था ये लाशें कहाँ हैं और कैसे उनसे छुटकारा मिल सकता है, कैसे उसे खुद आजादी मिल सकती है। मैट उसके कहने पर ही इस घर में आग लगाता है जिससे सब कुछ एक साथ जलकर राख हो जाए, लेकिन इसमें उसके जान को भी खतरा था। सारे आत्माएं उस पर हमला कर देती हैं। मैट दर्द में चिल्लाने लगता है। तब तक सैरा और पीटर भी घर पहुंच चुके थे। मैट के आवाज से उसकी माँ घर के अंदर भागती है और उसे बचा लेती है, मगर उस घर से निकलने से पहले ही मैट अपने माँ के गोद में दम तोड़ देता है। उधर जैसे जैसे इस घर में मौजूद लाशें जलकर राख होने लगते हैं, ठीक वैसे ही एक एक करके उनके आत्माओं को भी आजादी मिल जाती है। उधर मैट को विजन दिखता है जुहान का, जो और बर्न्ड नहीं दिख रहा था, मतलब फाइनली उसे आजादी मिल चुकी है। इन रियलिटी पुलिस सैरा के साथ मैट को भी बाहर लाती है। पैरामेडिक्स लास्ट कोशिश करते हैं मैट की जान लौटाने की और उनकी कोशिश रंग लाती भी है। मैट फिर से सांस लेने लगता है। उसे अपने सामने अपने परिवार के साथ साथ निकोलस भी दिखता है, मगर उसके पास खड़े जोहान की आत्मा नहीं दिखती, क्योंकि शायद अभी वो और मौत के पास नहीं था, वो ठीक हो चुका था। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। इस हादसे के बाद उस घर को तोड़कर फिर से बनाया जाता है, लेकिन और कोई भूतिया किस्सा सुनने को नहीं मिलता। मैट भी बिल्कुल क्योर्ड हो चुका था। डॉक्टर्स को तो ये मिरेकल ही लग रहा था, मगर उसे जैसे एक नया जीवन मिल चुका था। उसके शरीर से कैंसर बिल्कुल गायब हो चुका था और इसके बाद उसे लंबी उम्र भी मिली। दोस्तों, अब आते हैं इस फिल्म के पीछे छुपे ट्रू स्टोरी के बारे में। ये कहानी है 1986 में साउथिंगटन कनेक्टिकट में रहने वाले स्नेडेकर फैमिली के बारे में। उन्होंने एक पुराना घर लीज पर लिया था जो काफी सस्ते में मिल रहा था, मगर कुछ दिन के अंदर ही उन्हें कारण पता चल जाता है जब मिस्टर एंड मिसेस स्नेडेकर को घर के बेसमेंट से ऐसे औजार मिलते हैं जो सिर्फ मॉर्चुअरी में ही यूज किया जाता था। उनकी एक बेटी थी और तीन बेटे थे, जिनमें से एल्डेस्ट के ट्रीटमेंट के लिए ही उन्हें इस घर में शिफ्ट करना पड़ा था। कहानी की शुरुआत होती है छोटे मोटे हादसे से। सबसे पहले चीजें मिसिंग होने लगी। बच्चों को घर में साया नजर आने लगा और उन्हें घर के फ्लोर पर ब्लड दिखने लगा। रॉटन फ्लेश के स्मेल से पूरा घर भर जाया करता था। इसके बाद मिस्टर एंड मिसेस स्नेडेकर पर डेमोनिक हमला होने लगा। उन्हें रेप किया जाता था रेगुलरली हर रात। एट द सेम टाइम सबसे बड़े बेटे को अजीब से विजन्स आने लगते हैं। उसकी पर्सनैलिटी कम्प्लीटली बदल गई। वो अपने कजिन्स पर ही हाथ उठाने लगा एंड ग्रेजुअली स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार हो गया। कई महीनों तक इस नरक में बिताने के बाद स्नेडेकर फैमिली ने फाइनली एट एंड लॉरेन वॉरेन को कांटेक्ट किया, जिन्होंने उस घर में कुछ हफ्ते बिताए। इन्वेस्टिगेशन से उन्हें पता चला कि ये घर पहले एक फ्यूनरल होम हुआ करता था, जहां इस घर का ओनर इन लाशों के साथ नेक्रोमेंसी परफॉर्म किया करता था, जो इस घर को ईविल से पोजेस्ड कर दिया। उस डिमोनिक फोर्स को दूर करने के लिए एट एंड लॉरेन वॉरेन ने एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया, तब जाके ये घर क्योर्ड हुआ। दोस्तों, ये थी इस घर की सच्ची कहानी अकॉर्डिंग टू दी स्नेडेकर फैमिली एंड एडन लॉरेन वॉरेन। लेकिन इसे लेकर भी कई सारे कन्फ्लिक्ट से कुछ लोग कहते हैं ये घर कभी फ्यूनरल होम था ही नहीं, ना स्नेडेकर फैमिली से पहले इस घर में जो रहते थे उन्होंने कभी कुछ कंप्लेन किया या फिर कुछ महसूस किया, और अगर रेगुलरली कोई डिमोनिक फोर्स उन पर हमला करता भी था तो कैसे वो लोग उस घर में 2 साल तक रह पाए। साथ ही में जब ये हादसा सबके सामने आया, मीडिया ने कवर किया, तो स्नेडेकर फैमिली में किसी का भी स्टेटमेंट दूसरे से नहीं मिल रहा था। सच या झूठ ये तो नहीं पता, मगर इस हादसे को लेकर ही एड वॉरेन का एक स्टेटमेंट भी लीक हुआ था, जहां उन्होंने एक ऑथर रे गर्डन से कहा था कि ये फैमिली पूरा पागल है, तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसे ही मिला जुला कर कुछ लिख दो, कहानी डरावनी होनी चाहिए बस। अब रूमर्स तो बहुत फैलती है, लेकिन ये तो ऑडियंस पर डिपेंड करता है कि वो लोग क्या बिलीव करेंगे और क्या नहीं।
आपको क्या लगता है, ये कहानी कितनी सच है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।